बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नन। और मैं हूँ भाभी। और आप देख रहे हैं खाने में तड़का विद नन भाभी। तो आज हमारे किचन में क्या बना है भाभी? आज हमने बनाया है खजूर के लड्डू। ओए होए, बहुत टेस्टी बने, बहुत हेल्दी बने और बहुत ही जल्दी बने। इसको ट्राई जरूर करिएगा, और इसको ट्राई करने के लिए और इंजॉय करने के लिए आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। चले आइए शुरू करते हैं। एक पाव हमने खजूर लिया, जिसकी हमने बीजें निकाल ली इसकी, और ये खाने के ये जितने भी ड्राई फ्रूट लिए हैं ना हमने, ये सब दो दो चम्मच हैं। और हमने कटिंग करी है इसको, अखरोट लिया है ना ये जी, दो चम्मच हमने खाने का अखरोट लिया है, और दो चम्मच हमने जो है काजू लिया है, और दो चम्मच हमने बादाम लिया है, दो चम्मच हमने पिस्ता लिया है, दो चम्मच हमने चारों मगज़ की बीज होती है ना ये, वो ली है हमने। और ये हरी वाली किशमिश ली हमने, छोटी हरी किशमिश है ये, और ये पिसा हुआ खोपरा ये भी दो चम्मच लिया, और ये हमने एक चम्मच लिया देसी घी, हमने एक चम्मच लिया। चले आइए शुरू। हम घी डाल देंगे और उसको पिघला लेंगे, उसको हम पिघला लेंगे। तो इसको अलग ही डालेंगे। ये देखें, सबसे पहले हम इसमें किशमिश डालेंगे और इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे, इसको अलग ही हम भुनेंगे क्योंकि ये फूलेगा भाभी कह रही थी अभी जी। और जो है आँच बिल्कुल हल्की रखिएगा, वरना ये डार्क कलर हो जाएगा। तो मीडियम टू लो रखनी है, ठीक है भाभी, ताकि टेस्ट खराब ना हो। बिल्कुल, बस ये इतनी फुलानी है, बस इतनी ही हमें करनी है। और अब हम इसको निकाल लेंगे, अब हम इसमें काजू डालेंगे, पूरा डाल दिया जी। और इसमें हम बादाम डालेंगे, इसमें हम पिस्ता डालेंगे, और चार मगज भी डाल देंगे, चार मगज भी डाल देंगे इसको हम। और ये एक चीज तो रह गई, हाँ डालें डालें, सभी डाल दें, बगैर खिलाए डाल दें आप सब। और इन सब चीज़ को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, हल्की आंच पे करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ एक मिनट दो मिनट बस। और ये जब हम आपके लिए तो हम बना रहे हैं, ये आप कच्चा खाने के चक्कर में हम आपको पका के खिलाएंगे मज़ेदार वाला। हाँ फिर वो सब में मिल जाता है ना, तो किसी में आएगा किसी में तो नहीं, नहीं सब में आएगा, सब में आएगा ना जी। और जब ये लड्डू आप खाएंगे ना तो फिर वाह वाह करेंगी, और आप कहेंगे मुझसे कि दोबारा बनाए, और जो हम नहीं बनाएंगे फिर भाभी बोलेंगी वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाके देख के बना और बना ले। अच्छा चलें, हो गई बातें, अब जो है हम जरा इस पे तवज्जो दे लें, कहीं ये लग ना जाए। और इसको भी हमने एक से दो मिनट ऐसे फ्राई किया, इसको भी हम अब निकाल लेंगे, ताकि ये हाँ बस ताकि क्रंच जैसा आए इसमें, क्रंच आ जाए भाई, थोड़ा सा कड़क हो जाए। वैसे काजू मुझे दिख रहे हैं बहुत ही यम्मी से, और अब हम इसको निकाल लेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे, हाँ बस सही निकालेंगे अब हम इसको। अब हम इसको निकालेंगे, इसमें पिसा हुआ खोपरा ऐड करेंगे। अच्छा पिसे हुए खोपरे के अंदर ना घी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही इतना घी वाला होता है ना, है ना भाभी? बिल्कुल, बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर इसी में हम जो है वो डाल देंगे अपना खजूर, खजूर होता है ना छुआरे जी, जी, हाँ खजूर, छुआरे जो है वो सूखे हुए होते हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से। भाभी अच्छा एक बात बताइए मुझे, जब हम इसको पकाएंगे तो ये सारा मिक्स हो जाएगा, जैसे गुठली टाइप नहीं बना होगा? नहीं नहीं, ये अच्छे से मिक्स होगा, जैसे डो तैयार करते हैं माटे वगैरह की, हाँ ये उसी शेप में आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा इंशाल्लाह। इसको आप हल्की आंच पे ऐसे ही कट चलाते रहे, और ये देखते ही देखते सब सिमट जाएगा इंशाल्लाह। देखिए हम इसको मुस्तकिल भूनते चले जा रहे हैं, हल्की आंच पे भून रहे हैं हम इसको, और अच्छे से भूनते रहिएगा आप, ताकि इसके चॉपर ऊपर की भी ज़रूरत ना हो कि हम चॉपर में ग्राइंडर करें, पता नहीं पीसेगा नहीं पीसेगा। हाँ आप इसी तरह इसको चलाते रहिएगा, और ये बहुत अच्छे से। और भाभी मुझे देखे ना लग रहा है इसकी, और ये आप देख रहे हैं अच्छे से ही मिक्स हो चुका है, अच्छे से डो तैयार हो चुकी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, और उसने पैन भी छोड़ दिया भाभी, ये देखें आप, बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें बिल्कुल इसी स्टेज पे हमें इसको उतार लेना, चूल्हा ऑफ कर देना। फिर हमने भुना था हल्का हल्का सा, वो अब हम इसमें डाल देंगे, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए अब हमने सब चीजें अच्छे से मिक्स कर ली थी, हमने एक बर्तन में इसको डाल दिया, और हम इसको लड्डू की शेप देंगे। ये देखें ओए
जबरदस्त भाभी, इसी तरह सारे लड्डू बना लेंगे। और ये बिल्कुल शुगर फ्री है ये, और कोई इसमें चीनी नहीं डली है, कोई इसमें शीरा तैयार नहीं डला है, और भरपूर मीठा है। जाहिर है वो छुआ रहे हैं, उसकी अपनी मिठास होती है। हाँ सॉरी, खजूर है, उसकी अपनी मिठास होती है। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। और ये जो है सर्दी में भी बहुत फायदेमंद होता है, ठंड बढ़ती चली जा रही है, तो आप ये सब चीजें बनाएं और बहुत इंजॉय करें। क्यों, ये गर्म होता है भाभी जी? इसमें सारे ड्राई फ्रूट डले हुए, ये भी गर्म होते हैं और बहुत फायदेमंद होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। ये लड्डू ही बहुत हेल्दी बनता है, इसको आप लोग जरूर ट्राई करें। लड्डू बिल्कुल तैयार है और बहुत मजे के, बहुत हेल्दी बने हैं। लेकिन फरमाइश आई है कि इसको इस तरह की कोटिंग करें आप खोपरे के बुरादे से, तो हम फरमाइश पे अमल करते हुए इसको कोटिंग करेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए तैयार है बिल्कुल, और बहुत मज़े का बना है। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।